दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने ही वाले हैं, जो कि देवी माता के सबसे ज्यादा खास दिन बताए गए हैं। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो ऐसे दिनों का इंतजार रहता है जिससे खास चीजों को कर सकें, खास साधनाओं को कर सकें और अपनी सभी चीजों को सफल बना सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि पर वह कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें कुछ चीजों को आपको अपने घर में चुपके से रख देना है। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है, अपार धन से घर भर जाता है और जीवन के सभी कार्य निश्चित ही होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि दुर्भाग्य उनके इतना पीछे लग जाता है कि कोई भी उनका कार्य हो ही नहीं पाता है, जिससे उन्हें आए दिन ही चिंता का, परेशानी का, दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा खास दिन होते हैं, तो आज के इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि का सबसे ज्यादा खास दुर्लभ प्रयोग है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी खास जानकारी वाले वीडियो आपको समय पर मिला करे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले है और 22 अप्रैल को समापन हो जाएगा। और नवरात्रि के दिन ऐसे दिन होते हैं जिनमें किसी भी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी के पूरे 24 घंटे ही अपने आप में ही सिद्ध, खास और शुभ मुहूर्त से युक्त होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आप इस विधि को समझ लें कि कितने ज्यादा लाभ इसके मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो इसका ये मिलता है कि अगर आपके घर में बुरी शक्तियों ने वास बना लिया है, नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी हो गई हैं, तो इस प्रयोग से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां बिल्कुल डरकर भाग जाती हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं एक बार अगर शरीर में घुस जाती हैं या घर में वास बना लेती हैं, तो वहां के लोगों को लगातार ही पीड़ित करती रहती हैं, यानी के उनके मन में फिजूल की चिंता, परेशानी इतनी चलने लग जाती है जिसकी वजह से वह कोई भी कार्य फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिमाग ही उनका फिर ठीक नहीं हो पाता है। इसका दूसरा लाभ है कि अगर आपको परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, यानी कि नौकरी में, व्यापार में कोई भी फायदा आपको हो ही नहीं रहा है और लगातार ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे परिवार चलाने में सहायता मिलती है। यानी कि जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो अपार धन प्राप्ति के निश्चित ही योग बन जाते हैं और चारों तरफ से सफलताएं फिर मिलने लग जाती हैं। इसी प्रयोग से दुश्मनों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि यह संपूर्ण 9 दिन किया जाने वाला प्रयोग है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको करना है कि एक कोयला आपको कैसा भी ले लेना है। कोयले के साथ आपको 8 लौंग, 8 बताशे और 8 काली मिर्च लेनी है, और इसी के साथ आपको एक बड़ा नमक का टुकड़ा लेना है, यानी कि जो रॉक साल्ट होता है उसी को आपको लेना है। आपको इतना बड़ा लेना है जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, यानी कि अपनी मुट्ठी के बराबर जो घर का मुखिया है उसकी मुट्ठी में यह नमक की डली पूरी तरह से आनी चाहिए। बिल्कुल छोटी सी आपको नहीं लेनी है, थोड़ी बड़ी ही आपको लेनी है। यह सभी चीजें जुटा लेने के बाद आपको एक लाल कपड़े में इन सभी चीजों को रख देना है और 8 गांठ इस लाल कपड़े में लगा देनी है। इसके लिए आप लाल रंग के रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इस लाल पोटली को किसी भी काले कपड़े में फिर से एक पोटली बना लेनी है। यानी कि पहले पोटली आपको लाल रंग के रुमाल में बनानी है और उसके बाद काले कपड़े में फिर से पोटली को तैयार कर लेना है, यानी कि उसी पोटली को ऊपर से काला कपड़ा लगा देना है। उसके बाद आपको यह पोटली अपने घर के मंदिर में देवी माता के चरणों में रख देनी है, और नवरात्रि में ही इस प्रयोग को आपको करना है, यानी कि 13 अप्रैल को ही इस प्रयोग को शुरू करना है। उसके बाद रोजाना लगातार 9 दिन तक इस पोटली को अपने घर के सभी लोगों के ऊपर से 8 बार उतारना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार उतारा जाता है, तो आपको बता दें कि सिर से लेकर पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए 8 बार आपको उतार लेना है। पूरे 9 दिन इस प्रयोग को करना है, सभी लोगों के ऊपर से उतारना है और दोबारा देवी माता के चरणों में रख देना है। पूरे नवरात्रि सभी लोग देवी माता के पास धूप दीप आदि तो करते ही हैं, तो बस बाकी और कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। केवल इस प्रयोग को करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं
नवरात्रि में ही उतर जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि कोई ना कोई उन पर कुछ करा देता है जिससे उनकी चिंता परेशानी समस्याएं बढ़ जाती हैं, मन में विचार चलते रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि कुछ भी करने का मन फिर नहीं करता है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करते ही आप तुरंत ही आराम महसूस करेंगे और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर से उतर जाएंगी। और अगर भूत प्रेत का घर में वास होता है तो वो सब भी डर कर भाग जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 22 अप्रैल को यानी कि नवरात्रि समापन हो जाने के बाद इस पोटली को आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करते ही संपूर्ण दुर्भाग्य, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी ग्रह कलेश बिल्कुल उस पोटली के साथ ही बह जाते हैं। यह इतना आसान सा प्रयोग है कि इसे कोई भी कर सकता है, यानी कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है और इसमें ज्यादा नियम पालन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जरूर इस चैत्र नवरात्रि आप इस प्रयोग को करके लाभ उठाएं। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।